हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञानधन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की सीरीज लगातार प्रगति पर है और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आरआरबी के द्वारा पूछे गए हैं, हम उन सभी क्वेश्चनों को इस सीरीज में इंक्लूड किए हैं और जो क्वेश्चन संभावित हैं, जो बन सकते हैं आरआरबी की तरफ से, उन क्वेश्चनों पर भी क्या किया गया साथियों, अच्छे से चर्चा किया गया है और किसी एक क्वेश्चन को उठाया गया है और उसे अच्छे से मतलब गन्ने की तरह निचोड़ के क्या किया गया है, फेंक दिया गया है ना। मतलब जिस भी क्वेश्चन पे हम बात करेंगे पूरी तरीके से उसका क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। पूरा वीडियो में साथियों शुरू से बने रहिए, यकीन मानिए जो भी 8-10 क्वेश्चन कराएंगे ना इस वीडियो में, आपके उंगलियों पर वो 10 क्वेश्चन के आंसर होंगे। वो 10 ही नहीं साथियों, कम से कम 50 क्वेश्चन ना, कम से कम 50 क्वेश्चन तो आपको रट ही जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, संघर्ष के समय इंसान क्या होता है, अकेला होता है ना। संघर्ष के समय इंसान अकेला होता है और जिस दिन सफल हो जाता है ना, उस दिन पूरी कायनात उसके पीछे होती है। ध्यान दीजिएगा, आज आप संघर्ष कर रहे हैं, आज आप अकेले हैं, कल देखिएगा जिस दिन सफलता मिल जाएगी ना, आपके पीछे पूरा हुजूम होगा, आप उसे रोक नहीं सकते ऑटोग्राफ देने के लिए। इस लायक आपको क्या करना है, बनना है। संघर्ष से कभी नहीं डरना है साथियों, क्योंकि संघर्ष ही क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक कहानी है जो कब सुनानी है, जो सफलता के बाद सुनानी है कि हम इन इन परेशानियों से बढ़ के आगे बढ़े थे, है ना। ताकि जो आपको सुनेंगे ना वो भी आपसे क्या होंगे, मोटिवेट होंगे ना, उस लायक अपने आप को बढ़ाना है। चलिए ध्यान दीजिए, पूरे सिद्धत से सीरीज में बने रहिए, यकीन मानिए मेरा साइंस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले इसी क्वेश्चन में क्या होंगे साथियों, लौट जाएंगे ना, हाँ लौट जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में बस दो चीजें चलेंगी, क्या चलेंगी, एक हृदय एक फेफड़ा, है ना, दो ही चीज, फेफड़ा और हृदय, ध्यान दीजिएगा। बट ये रक्त को फिल्टर नहीं करते ना, ध्यान दीजिएगा, रक्त को कौन फिल्टर करता है, एकदम ध्यान से समझिएगा, कौन, वृक्क यानी साथियों किडनी, है ना, किडनी को ही क्या कहते हैं, वृक्क। कैसा होता है किडनी, ध्यान से समझिएगा, खाने वाला सेम देखे है ना, सेम, हाँ चलिए नहीं देखे, राजमा देखे, राजमा है ना, राजमा का जो बीज होता है ना साथियों, उसी टाइप की किडनी होती है, कुछ इस टाइप की ना, हाँ कुछ इस टाइप से ला के, कुछ सेम के बीज जैसा ना, ध्यान दीजिएगा ऐसा ही होती है। और ये कितनी होती है साथियों हमारे शरीर में, हाँ दो ठो होती है ना, इसी टाइप की दो किडनियां होती है, हाँ ध्यान दीजिएगा दो होती है ना, कितनी, दो जोड़े के रूप में है, हाँ। और इसका द्रव्यमान कितना होता है, ध्यान दीजिएगा बहुत छोटा होता है साथियों, 150 ग्राम से 170 ग्राम ना, एक वयस्क मनुष्य की बात कर रहे हैं, बच्चों में छोटा होगा यार, बच्चों में मत पूछ दीजिएगा ना, एक वयस्क मनुष्य यानी हम लोगों में और आप लोगों में कितना, 150 ग्राम से 170 ग्राम का होगा साथियों, क्या, हाँ यही किडनी ना, ध्यान दीजिएगा किडनी में ना, नोट करके लिखते चलिए, क्योंकि हम क्वेश्चन एक लेते हैं ना, बताते बहुत कुछ है किडनी ना, जैसे शरीर हमारी देखिए छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलके बना है ना, ठीक है, अलग अलग पार्ट के कोशिकाओं का नाम भी अलग अलग रखा गया है, तो किडनी की जो संरचनात्मक इकाई है ना, लिख लीजिए किडनी की संरचनात्मक इकाई, ध्यान दीजिएगा संरचनात्मक इकाई को क्या कहते, पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है ना, संरचनात्मक इकाई को क्या कहते, लिख लीजिए नेफ्रॉन कहते, क्या कहते, नेफ्रॉन, ध्यान दीजिएगा संरचनात्मक इकाई क्या है साथियों, किडनी की नेफ्रॉन है ना, यानी नेफ्रॉन नामक कोशिकाओं से मिलके किडनी क्या है, बना है, कितने ग्राम की होती है, 150 ग्राम से 170 ग्राम का। अगला ध्यान दीजिए, काम क्या है इसका साथियों, यह कैसा अंग है, ध्यान दीजिएगा यह एक उत्सर्जी अंग है ना, यह क्या है साथियों, एक उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी यानी ध्यान दीजिएगा ये खराब मत समझ रहे हैं, हाँ जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, इनका क्या करता है, उत्सर्जन भी करता है, क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, यूरिया,
यूरिया ना साथियों, कमेंट बॉक्स में आप लोग यूरिया का रासायनिक सूत्र छाप दीजिएगा। तो हाँ, क्या करता है साथियों, किडनी यूरिया को ना मूत्र के मार्ग से शरीर से क्या करता है, बाहर निकालता रहता है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछ लेता है ना कभी कभी, सुने ना किडनी में पथरी हो गया, सुने होंगे आप लोग किडनी में क्या हो गया, पथरी हो गया ना, वो पथरी क्यों होती है, किसके कारण होती है, छाप लीजिए ना। हाँ, किडनी में पथरी किसके कारण होती है साथियों, छाप लीजिए, किडनी में पथरी यानी स्टोन है ना, किडनी में पथरी होने का कारण ध्यान दीजिएगा, कौन कौन पदार्थ जिम्मेदार है ये किडनी में पथरी होने के लिए, छाप लीजिए। पहला साथियों यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल, दूसरा कैल्शियम ऑक्सेलेट लिख लीजिए, कैल्शियम ऑक्सीलेट है ना, पूरा लिख लीजिए। तीसरा लिख लीजिए कैल्शियम फास्फेट। हाँ, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम फास्फेट, ध्यान दीजिएगा ये तीनों क्या है साथियों, ये तीनों किडनी में स्टोन होने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। पूछता है मेन कौन सा वाला है, यूरिक एसिड ना, हाँ यूरिक अम्ल। यूरिया अगर ठीक से बाहर नहीं निकल पा रही है ना साथियों, तो वो स्टोन बना देगी यूरिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, यूरिया शरीर में ना बहुत विषैला पदार्थ है, किसके माध्यम से बाहर निकलता है, इसी वृक्क मूत्र वाले नलियों से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसको निकालने का कार्य कौन करता है साथियों, वृक्क करता है, ध्यान दीजिएगा। तो ब्लड का फिल्टर भी कौन करता है साथियों, वृक्क करता है, याद करके लिख लीजिएगा ना। लेकिन फेफड़ा क्या करता है सुन लीजिए, हृदय क्या करता है पहले इसको देख लेते हैं। हृदय का साथियों मेन कार्य क्या है, हाँ ब्लड को पंप करना, क्या करना, ब्लड को पंप करना। ब्लड पंपिंग का काम कौन करता है साथियों, हृदय करता है। कितने चैम्बर है मनुष्य में, कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर ना, हाँ हृदय में 4 चैम्बर और 4 वाल्व होते हैं, 2 चैम्बर ऊपर रहता है, 2 चैम्बर नीचे रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो ब्लड पंप करता है कौन साथियों, हृदय। अगला देखिए फेफड़े का क्या कार्य है, फेफड़ा का कार्य क्या है साथियों, श्वसन तंत्र से ये संबंधित है। श्वसन तंत्र यानी जब हम लोग नाक से क्या करते हैं, नाक से सांस लेते हैं ना, सांस खींचेगा हम लंबी वाली, बड़ा सुकून का नींद आएगा ना, नहीं सोना है तभी सोएंगे जिस दिन सपना क्या होगा, पूरा हो जाएगा। सांस लीजिएगा ना, कहाँ जाता है ये ऑक्सीजन साथियों, इसी फेफड़े में ना, हाँ फेफड़े में जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये श्वसन तंत्र है कौन साथियों, हाँ फेफड़ा कैसा तंत्र है साथियों, श्वसन तंत्र है ना, फेफड़ा श्वसन तंत्र है, ध्यान से समझिएगा, श्वसन तंत्र है साथियों क्या, फेफड़ा क्या काम करता है, जब हम लोग ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं ना, तो ब्लड इसी के पास आता है, ध्यान दीजिएगा। हृदय क्या करता है, फेफड़े के पास ब्लड भेजता है, कौन सा वाला, खराब वाला, और उसी खराब वाले, खराब का मतलब ये है ना, एक लाइन में समझिए, खराब बढ़िया का मतलब, खराब ब्लड का मतलब ये है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, शुद्ध ब्लड का मतलब यह है उसमें ऑक्सीजन है, समझ गए, ध्यान दीजिएगा। जब ब्लड कौन साथियों, हृदय किसके पास भेज दिया, हाँ एक फिगर से समझ लीजिए, चलिए ये हार्ट है, क्या साथियों, ये हार्ट है ना, हाँ, और यहाँ पे क्या साथियों, ये फेफड़ा है, समझ लीजिए ना, हाँ ये क्या है हमारा, फेफड़ा यानी लंग्स है ना, फेफड़ा यानी लंग्स, ध्यान दीजिएगा, हृदय यानी हार्ट है ना, ये हृदय है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम 2 क्वेश्चन आपको यहाँ समझाना चाह रहे हैं, है ना। जैसे देखिएगा, हृदय क्या करेगा साथियों, फेफड़े के पास जो ब्लड भेजेगा ना, ये कैसा होता है, ब्लड अशुद्ध होता है ना, कैसा होता है, अशुद्ध मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है ना, CO2, ठीक है। और जब फेफड़ा क्या करता है, हृदय के पास ब्लड भेजता है ना साथियों, ये क्या होता है, ये शुद्ध होता है, इसमें क्या मिला रहता है, ऑक्सीजन। जब हम लोग सस्या लेंगे ना, फेफड़ा को ऑक्सीजन दे देंगे ना, तो भाई जो हृदय भेजा है कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून ना, इसी को क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला निकाल लेगा और ऑक्सीजन वाला फेफड़ा क्या करेगा जी, मिला देगा ना, मिला दिया, वही क्या हो गया, शुद्ध हो गया, और यही फेफड़े के माध्यम से शुद्ध ब्लड कहाँ पहुंच गया, ध्यान दीजिएगा, हृदय में, है ना। तो अगर क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है। अगर यही ऑप्शन में कहता मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता अगर वृक्क नहीं होता, अगर ऑप्शन में किडनी नहीं होता तो आप ऑप्शन में क्या मारते हैं, फेफड़ा मारते ना, क्योंकि ये भी काम वही करता है, बस मेन है वृक्क का काम। अगर वृक्क नहीं होता तो ऑप्शन क्या मारिएगा, फेफड़ा। अगर वृक्क बैठा है, किडनी बैठा है, फेफड़े पे मत मारिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन पे, अच्छा यकृत की बात कर ले साथियों, यकृत क्या कार्य करता है ध्यान से समझिएगा। हाँ, यकृत में कौन सा रस बनता है ना, पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में, ध्यान दीजिएगा। और ये स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में, ठीक है। यकृत का एक और काम है साथियों, हिपेरिन का निर्माण करना, बहुत सारा काम करता है, मेन समझिए यकृत का क्या काम है, हिपेरिन। हिपेरिन क्या है साथियों, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट ना, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट मतलब हाई शरीर के अंदर जो ब्लड नहीं जमता ना, वो कौन रोक के रखता है, हिपेरिन रखता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जैसे ही कट जाता है ना वह हिपेरिन, वहां वाला क्या होता है, मर जाता है, लुढ़िया जाएगा, मर गया ना हिपेरिन, मर गया तो विटामिन के है ना, विटामिन के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कुछ प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और रुधिराणु में कौन सा आती हूँ, प्लेटलेट्स ना, ये सब पार्टिसिपेट करके क्या करते हैं, ब्लड को जमा देते हैं। धातु में अगर पूछे ब्लड क्लॉटिंग, कैल्शियम, ध्यान दीजिएगा। और एक यकृत का एक मेन काम क्या है साथियों, हाँ यह क्या है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान दीजिएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, और सबसे छोटकी पूछे तो पिट्यूटरी ग्लैंड ना, कहाँ पे साथियों, ब्रेन, यानी मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ध्यान दीजिएगा, कई नाम से इसको क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका की भित्ति यानी सेल वॉल पूछ रहा है, किस चीज से बनी होती है। हाँ, ये बच्चे जानते होंगे ना, किस चीज से साथियों, सेलुलोज से, बट हम अभी कुछ बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पेपर में क्या पूछता है कि जो नोट होते हैं नोट, हाँ वही पैसा वाला नोट, उनमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ऑप्शन ढूंढिएगा, सेलुलोज मार दीजिएगा ना, क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है, और पेड़ पौधों से ही बनते हैं कागज, और उसी कागज से बनता है नोट, यानी कौन सा चीज पाया जाएगा साथियों, सेलुलोज, ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन ध्यान दीजिए, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है साथियों, राइबोसोम ना, राइबोसोम करता है, किसका निर्माण, प्रोटीन का, इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते। कौन खोजा था, ध्यान दीजिएगा, पैलाडे ना, कौन खोजा था साथियों, पैलाडे, इसीलिए इस राइबोसोम को क्या कहते हैं, पैलाडे कण भी कहते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। राइबोसोम को क्या कहते हैं, पैलाडे कण, और ये किसी भी कोशिका का सबसे छोटका अंग है, कौन, राइबोसोम, ध्यान दीजिएगा। वसा यानी चर्बी यानी फैट है ना, हाँ वही जो मोटा करता है वह है वसा, चर्बी, ज्यादा तेल और चीज मत खाइएगा, चर्बी कम रहेगी ना, थोड़ा वर्कआउट करिए, चर्बियां खत्म हो जाएंगी। विटामिन की अगर बात कर ले, बहुत ही प्रकार की हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी है ना, विटामिन ई, विटामिन के। अगर आपसे पूछ ले जल में घुलनशील विटामिन, किसमें साथियों, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी सी, याद रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है, चलिए ध्यान दीजिए। और बाकी वसा में कौन सी, दोनों को छोड़ के ना, बाकी विटामिन क्या है, वसा में घुलनशील है। अगला ध्यान दीजिए, इस वर्ड का उपयोग किसने किया साथियों, फंक नामक वैज्ञानिक ने ना, हाँ तो विटामिन का खोज भी किसे, खोज के लिए श्रेय भी किसको देते, एनी फंक को। अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में किसकी तन्यता अधिक है। पहली बात की है कि ये वर्ड क्या है, पकड़िए इस वर्ड को, तन्यता, तान देना यार, तान देना, जैसे रबड़ को खींच देते हैं ना, हाँ वही तन्यता, लेकिन अभी बताएंगे कुछ, जमीन घसक जाएगी नीचे वहां से ना, आप बैठे रहिएगा अच्छे से। तन्यता का मतलब समझ गए, जनरल भाषा में किसी चीज को क्या करना, खींच के तार के रूप में बड़ा करना ना, वही है तन्यता। एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, रबर की तन्यता सबसे कम होती है, रबर को खींच के बड़ा नहीं कर सकते, जैसे ही खींचिएगा ना टूट जाएगा,
अब कहें क्या बेवकूफ बना के रखे पड़े हैं, नहीं बेवकूफ बना रहे हैं यार। रबर ना जो आप इरेजर खरीदते मिटाने वाला ना, उसको खींचिएगा तो क्या खींच जाएगा? नहीं खींचेगा, तुरंत टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्योर रबर है ना। हाँ प्योर रबर नहीं खींचेगा। और जो बलवा बांधते हो ना, मिठाई उठाई लपेटते हैं ना डब्बा उब्बा, वो जो रबर होता है ना साथियों, उसमें प्लास्टिक होता है, इसीलिए वो खींच जाता है। ध्यान दीजिएगा, वो प्योर रबर नहीं होता। तो निम्नलिखित पदार्थों में किसकी तन्यता, ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा तन्यता साथियों किसकी होती है? सोने की। कितना होती है लिख लीजिएगा, है ना। 1 ग्राम अगर सोना लीजिएगा ना, कितना ग्राम? 1 ग्राम 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं। कितना लंबा? यानी 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बना लेंगे। सोच लीजिए कई ग्राम से, कितना ज्यादा इसकी तन्यता होगी ना। मतलब इसको बहुत खींच के बहुत पतला तार बना सकते हैं। रबर की तन्यता सबसे कम होगी, ध्यान दीजिएगा। अगर लोहे की पूछे तो कांच, कांच को तान पाएंगे क्या? कांच को तानिएगा तुरंत टूट जाएगा। तो कांच क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। कांच क्या होते हैं? भंगुर। भंगुर का मतलब समझ लीजिए, हल्का सा भी झटका दिए उस पदार्थ में ना, जैसे यही है, इसी पे हल्का सा झटका दिए ना, तुरंत टूट जाए। तुरंत क्या हो? टूट जाए। जो जितना जल्दी टूट जाएगा उसकी भंगुरता उतने ज्यादा होगी। कांच की भंगुरता ज्यादा है ना। उसी के बाद लकड़ी ले लीजिए, जल्दी नहीं टूटेगा इसलिए वो कम भंगुर है। ठीक है, हाँ इसे समझ लीजिएगा। तो भंगुरता साथियों, भंगुरता देखा जाए तो कांच की अधिक है, तन्यता देखा जाए तो सोने की अधिक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। परमाणु के नाभिक के खोज करता है, नाभिक के जन्मदाता किसे कहते? रदरफोर्ड को। ध्यान दीजिएगा, नाभिक के जन्मदाता कौन है साथियों? रदरफोर्ड। कौन से एक्सपेरिमेंट से ढूंढा? अल्फा कण प्रकीर्णन। ना अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम परमाणु के नाभिक। सुनते चलिए, क्योंकि डायरेक्ट पेपर में आपसे टकराएंगे। क्या टकराएगा? कि हीलियम परमाणु का नाभिक क्या होता है। तो हीलियम परमाणु को, नाभिक को क्या कहते साथियों? अल्फा कण कहते। ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? रदरफोर्ड। अगर डाल्टन को पूछ ले कि डाल्टन ने क्या खोजा, ध्यान दीजिएगा, डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु के बारे में सिद्धांत दिया है, इसीलिए परमाणु का खोजकर्ता कौन हो गया? डाल्टन। ध्यान दीजिएगा, आइंस्टाइन की बात करें ना, हाँ सबसे भड़का वाला सिद्धांत था E=mc², E=mc², है ना, हाँ सापेक्षता का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, आइंस्टीन का सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? सापेक्षता का सिद्धांत। E=mc², ये ऊर्जा है, ये द्रव्यमान है, सी निर्वात में प्रकाश की चाल है। कमेंट बॉक्स में छापिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। थॉमसन की अगर बात कर लें, थॉमसन की बात कर लेना, तो थॉमसन ने क्या ढूंढा साथियों? इलेक्ट्रॉन का खोज किया। किसने? थॉमसन ने। हाँ परमाणु मॉडल दिया था सबसे पहले थॉमसन ने, और कौन सा मॉडल? वाटरमेलन। ना ध्यान दीजिएगा, थॉमसन थॉमसन बतिया एक का है ना। हाँ सबसे पहले वाटरमेलन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? थॉमसन ने। पूछेगा परीक्षा में, परमाणु का तरबूज मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा। रदरफोर्ड की बात बताई दिए, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा बताया था कि परमाणु के नाभिक में केवल धनात्मक आवेश होता है, और उसी धनात्मक आवेश को क्या नाम दिया उन्होंने? प्रोटॉन। इसीलिए प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन? रदरफोर्ड। अगले क्वेश्चन पे भी चर्चा कर रहे हैं। अगला ध्यान दीजिए, कह रहा है धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे कितनी ऊंचाई से गिराया गया था? जनरल भाषा में आप क्वेश्चन देख लीजिए, हम समझा रहे हैं, समझ लीजिए। कह रहा है ना, ऊपर से किसी ऊंचाई से एक वस्तु गिराई गई है, और जस्ट ही जमीन से क्या करने वाला है? टकराने वाला है ना, जस्ट टकराने वाला है, और तब उसके पास गतिज ऊर्जा कितनी है? कह रहा है टकराने वाला है ना 400 जूल है। ध्यान से समझिएगा, जब वो जस्ट टकराने वाला होगा ना, मतलब सुई के नोक भर केवल पृथ्वी छोड़ा होगा, टकराने वाला है, यानी उस समय स्थिति ऊर्जा उसके पास क्या है? 0 है। ध्यान दीजिएगा, उस समय स्थिति ऊर्जा क्या है उसके पास? 0। अच्छा जब सबसे ऊंचाई पर रहा होगा तो स्थिति ऊर्जा सबसे ज्यादा, और गति ऊर्जा 0। और जैसे चल दिया होगा, गति ऊर्जा बढ़ने लगी, स्थिति ऊर्जा क्या होने लगी साथियों? घटने लगी। लेकिन कौन सी ऊर्जा कॉन्स्टेंट? याद रखिए, यांत्रिक ऊर्जा कॉन्स्टेंट होगी, ऊपरों बीचों में नीचों कहीं भी ना, सब जगह यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कितनी ऊंचाई से गिराया गया ना, तो ध्यान दीजिए,
जो यही स्थिति जुड़ जाती है ना साथियों, mgh वो बदल गई किसमें, गति ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर में। कैसे, खुद सोचिएगा। यहाँ देखिए पृथ्वी की ये क्या है साथियों, सतह है ना, पृथ्वी की सतह जहां पे हम लोग क्या है, जहां पे हम लोग खड़े हैं यार। ध्यान दीजिएगा, मन से पढ़िए ना, मन से पढ़िए। जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज हम बता रहे हैं वो ना आए। एक चीज हमेशा याद रख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है, और ये टॉपिक तो फेवरेट है रेलवे का ना। हाँ, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, कार्य शक्ति, ये तो फेवरेट चैप्टर है ना, छोड़ नहीं सकता है। पेपर में एक क्वेश्चन जरूर देगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पे, चलिए मान लीजिए यहाँ पे एक गेंद है ना, हाँ, और उस गेंद का कितना द्रव्यमान है साथियों, 2 किलोग्राम। अब कुछ होंगे कहेंगे 2 किलो का गेंद होगा, हाँ जी 2 किलोग्राम का गेंद है, बड़ा है, लोहा वाला, छोड़ रहे हैं ऊपर से, है ना, पता नहीं है कितने ऊंचाई छोड़ रहे हैं। h का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। अभी बताइए, देखिएगा यहाँ पे स्थिति ऊर्जा साथियों क्या होगी, यहाँ पे स्थिति ऊर्जा सबसे अधिकतम होगी। स्थिति ऊर्जा को u से लिखते हैं, और गति ऊर्जा को साथियों k से लिखते हैं, और ये कितना होगी यहाँ पे, 0। ध्यान दीजिएगा कितना होगी, 0। और e स्थिति ऊर्जा इस समय कितना होगी यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लिखे ना, तो mgh के बराबर, सबसे ज्यादा। अब बताइएगा, हम लोग पढ़े हैं क्या चीज, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है न उत्पन्न हो सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगी, बदल जाएगी। खुद सोचिएगा, इसके पास इतना ऊर्जा है ना, सोचिए 100 जूल है, मान लीजिए कल्पना करिए 100 जूल है, और जब पृथ्वी से टकराने वाला रहेगा तब कितना जूल रहेगा, तब वो 100 जूल होना चाहिए ना, घटना नहीं चाहिए। घट गया तो ऊर्जा संरक्षण का नियम का वाट लग गया, अब वाट लग गया ना तो पूरा फिजिक्स फिर से लिखना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, है ना, तो mgh इतने ही ऊर्जा लेके आएगा जैसे टकराने वाला रहेगा ना साथियों, कहां पे, इसी किससे, पृथ्वी से टकराने वाला रहेगा ना, तो इस समय इसके पास गति ऊर्जा mgh के बराबर हो जाएगी, और स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी साथियों, 0। देख लीजिए जितना पहले था mgh उतना ही ऊर्जा कहां पे है, बाद में, बीच में पूछता तो, बीच में जब दोनों को जोड़ेंगे ना u+k तब कितना होना चाहिए साथियों, mgh के बराबर, बीच में कहीं भी mgh के बराबर ऊर्जा होगी, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्या किया जाएगा साथियों, क्या पूछ रहा हम लोगों से, कितनी ऊंचाई पे से वस्तु को गिराया गया ना, कितनी ऊंचाई से वस्तु को गिराया गया समझेगा, यही स्थिति ऊर्जा किसमें बदल गई साथियों, गतिज ऊर्जा में। चलिए m से m को क्या कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, हाँ कट जाएगा यार, ध्यान दीजिएगा। h बराबर फाइंड करना है ना, तो g को कहां भेज दीजिए, इस साइड, इधर क्या बचा साथियों, बी स्क्वायर, नीचे है 2, हाँ जी जाएगा इधर, तो किसके रूप में, गुणा के रूप में, है ना, हाँ किसके साथ, 2 के साथ, लेकिन वास्तव में बी के साथ किसके रूप में, भाग के रूप में। चलिए अगला ध्यान दीजिए, एच बराबर फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना है वो अकेले एक साइड होना चाहिए। चलिए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, हाँ क्या बी दिया है क्वेश्चन में, जी नहीं दिया है, हम लोग गलत चल रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट इसका मनवा दे दिया, देखिए गतिज ऊर्जा डायरेक्ट दे दिया है 400 जूल, मत रखिएगा इसे ना, हाँ इसे मत रखिएगा, डायरेक्ट क्या कर लीजिए, डायरेक्ट 400 जूल रखिए, इसके बराबर कितना, 400 जूल, क्योंकि दिया है, अगर नहीं दिया रहता तो वैसे ही लगाते जैसे भी हम लगा रहे थे। ध्यान दीजिएगा अब क्या करिएगा, एच फाइंड करना है, एच बराबर कितना लिख दीजिएगा, 400 बटे क्या, mg, जिसको ज्ञात करना वो अकेले एक साइड होना चाहिए। चलिए 400 लिख लीजिए, m की वैल्यू दे रखा है, देखिए 2 kg, m बराबर 2 kg, g की वैल्यू देखिए दिया है 10, अगर g नहीं दिया होता तब 9.8 रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाई 1 0 से 1 0 क्या हुआ साथियों, कट जाएगा, हाई 2 का भाग, जब भाग दीजिएगा 40 में ना, तो कितनी बार, 20 बार, और वहां क्या लिख दीजिएगा, मीटर, 20 मीटर की ऊंचाई से क्या करेंगे, गिराएंगे ना, 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 900 ओम प्रतिरोध वाले किसी तापक से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी यदि इनमें से 0.3 एम्पीयर की धारा 10 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाए। मतलब ये कह रहा है ना, एक हीटर है, तापक मतलब हीटर ना, और कितने ओम प्रतिरोध का है साथियों, 900 ओम प्रतिरोध का है। हीटर का तार किस चीज का बना होता है,
कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। चलिए 900 ओम प्रतिरोध का तार है, कह रहा है उसमें 10 सेकेंड तक विद्युत धारा बहा रहे हैं और कितने एम्पियर की, 0.3 एम्पियर की। वही पूछ रहा है कि हीटर का तार कितना गर्म हो जाएगा, और लेकिन किसमें देखिए ऑप्शन दिया जूल में, तो जूल में निकालेंगे ना क्या होता है साथियों। हाँ, उष्मा के लिए फार्मूला लिख लीजिएगा, है ना, उष्मा के लिए फार्मूला VIT होता है ना, हाँ, वोल्टेज विद्युत धारा और गुड़ते समय। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिया है ना, ध्यान दीजिएगा, तो वोल्टेज को कहाँ से चेंज करेंगे, ओम के नियम से। ध्यान दीजिएगा, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR, है ना, जो वोल्टेज होता है विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी V के जगह क्या रख देंगे, IR। जैसे ही रखिएगा ना IR, देखिए V के जगह रख दिए गुणते IT, हाई वाला जो बचा उतार दिए, I का गुणा I में करिएगा तो I स्क्वायर हो जाएगा इंटू R और इंटू क्या साथियों T। वैल्यू पुट कर दीजिए, I का मान 0.3, ध्यान दीजिएगा 0.3 का क्या हो गया स्क्वायर, और इंटू क्या है R, R की वैल्यू साथियों 900 ओम है ना। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक पूछे तो ओम, ओम भगवान ही खोजे थे इसीलिए ओम है ना, आई स्क्वायर आर, और टी की वैल्यू साथियों 10 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा ना कितना हो जाएगा 0.09। ध्यान दीजिएगा, जब एक से नीचे की संख्या का वर्ग करेंगे ना उसका मान अवरोध छोटा हो जाएगा, और एक से बड़ा का वर्ग करेंगे ना मान बड़ा होगा। जैसे देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4, और 0.5 का वर्ग करिएगा ना तो 0.2 देखिए 2.5 हो गया। बताइए 0.5 बड़ा है कि 0.25 बड़ा है, 0.5 बड़ा है। एक के नीचे का स्क्वायर करेंगे मान आओ घट जाएगा, एक के ऊपर का स्क्वायर करेंगे मान बढ़ जाएगा। चलिए कितना हो गया, इतना 0.09 इंटू 900 इंटू 10 मल्टीप्लाई करिएगा, करिएगा तो कितना हो जाएगा साथियों, हाई 10 का गुणा इसमें कर दीजिएगा ना, ध्यान दीजिए 10 का गुणा इसमें तो हो जाएगा 0.9, एक अंक और 10 घसक जाएगा। अब गुणते साथियों कितना 900, ध्यान दीजिएगा 2 जीरो है, 2 जीरो लिख दे रहे हैं, हाई 9 का गुणा 9 में करिएगा 81, कै अंक पे दशमलव है एक अंक पे हटा दीजिएगा, 810 जूल आ जाएगा आंसर। ऑप्शन ढूंढ लीजिए 810 जूल, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ना 810 जूल। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, सेब के फल में लाची का कारण है, लाची लाली का कारण यार, सेब के फल में लाली का कारण है, लाची वाची याद आ रहा है, गला खराब हो गया, लाची लहसुन यही सब याद आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, सेब के फल में लाली का क्या कारण है, ध्यान से समझिएगा, कुछ बता रहे हैं खटाखट छाप लीजिए ना, हाँ खटाखट क्या करिएगा छाप लीजिएगा। अच्छा, जो सेब का फल होता है साथियों, हाँ, एंथ्रोसाइनिन के कारण क्या होता है लाल होता है, लाइकोपीन साथियों टमाटर, हाँ टमाटर टमाटम टमाटर लाल लाल, हाँ लाल लाल से याद रखिएगा लाइकोपीन। कैरोटीन कैरेट माने गाजर, याद रखिएगा कैरोटीन से क्या याद रखिएगा गाजर, है ना, गाजर में रंग प्रदान करता है कौन कैरोटीन। जेंथोफिल साथियों, जेंथोफिल हल्दी का रंग ना, हल्दी पीला होगी कि हरियर कि नीला कि काला कौन बताएगा, जेंथोफिल है ना हरा रंग प्रदान, अरे हरा रंग कह रहे हल्दी हरा रंग, अरे नहीं हल्दी पीला रंग, ध्यान दीजिएगा। और साथियों चुकंदर लिख लीजिए ना, हाँ चुकंदर लिख लीजिए, चुकंदर बीटानोन ना, बीटानोन, हाँ चुकंदर बीटानोन के कारण वाला। अच्छा ये है क्या कहानी बता दिए, एंथोसाइनिन लाइकोपीन कैरोटीन जेंथोफिल, ये क्या है, ध्यान दीजिएगा वर्णी लवक है, लवक को 3 भागों में बांटा गया है ना, ध्यान समझिएगा, एक हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक क्या करता है, पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करवाता है और भोजन बनाता है। वर्णी लवक क्या करता है साथियों, भोजन को स्टोर करता है, दूसरी बात अब कुछ पेड़ पौधों में फलों को रंग प्रदान करता है, अवर्णी लवक कोई रंग प्रदान नहीं करता, रंगहीन होता है, ध्यान दीजिएगा यही अवर्णी लवक है ना, वर्णी लवक। बीटानोन किसका साथियों, चुकंदर का, पपीता का छाप लीजिए ना, हाँ पपीता का छाप लीजिए तो पपीता का क्या लिखेगा पपीता है ना, पपीता का क्या लिख लीजिएगा कैरी कैरी का जैंथिन ना, हाँ कैरी का जैंथिन, कैरी का जैंथिन क्या लिखेगा कैरी का जैंथिन,
दिख नहीं रहा होगा तो इधर लिख लीजिएगा ना। हाँ क्या लिख लीजिएगा, कैरिका जेंथिन ना, कैरिका जेंथिन किसका साथी हो, हाँ पपीता का ना, ध्यान दीजिएगा याद कर लीजिएगा, चुकंदर का विटामिन, पपीता का कैरिका जेंथिन, हल्दी में जेंथोफिल, गाजर में कैरोटीन, टमाटर में लाइकोपीन और एंथोसाइनिन से में, जितना था हम सब बता दिया है, इसके बाद कुछ नहीं पूछेगा है ना। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथियों ध्यान रहे वीडियो पसंद आता है ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए, तब साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।